जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक खास खबर के बारे में बात करने वाले हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंजम्पशन देशों में से एक है और हमारी अपेक्षा से तेल की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बीच हाल ही में एक खबर आई है कि भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात UAE को क्रूड ऑयल का भुगतान इंडियन करेंसी रुपीज में किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया मेक्स फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट टू UAE इन इंडियन रुपीज। दोस्तों, ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई अरब देश भारतीय रुपए के बदले में हमें कच्चा तेल बेचने को तैयार हुआ है, वरना इससे पहले भारत को कच्चे तेल के भुगतान के लिए पेट्रो डॉलर का यूज करना पड़ता था। मतलब आज से पहले हम किसी भी अरब देश से, चाहे वो सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, किसी से भी कच्चा तेल खरीदते थे तो उसका पेमेंट डॉलर में करते थे। इन अरब देशों ने अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन कर रखा है। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट क्या होता है, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों, पेट्रो डॉलर किसी तेल निर्यातक देश को भुगतान किए जाने वाले अमेरिकी डॉलर हैं। पेट्रो डॉलर ओपेक सदस्य देशों और अन्य तेल निर्यातकों के लिए रेवेन्यू का प्राथमिक स्रोत है और इसी के चलते ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज अमेरिकी डॉलर में कच्चे तेल का निर्यात करते हैं, क्योंकि डॉलर ग्लोबली सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। और दोस्तों, यही वो डील है जो अमेरिकी डॉलर को शक्तिशाली बनाती है। इसकी मदद से ही अमेरिका बड़े से बड़े देशों को गिरा देता है, क्योंकि ये एग्रीमेंट अमेरिकी डॉलर के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उसकी डिमांड को बढ़ाता है, जिससे उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और कोई भी दुनिया का देश डॉलर से टक्कर देने की हिम्मत नहीं कर पाता। हालांकि भारत ने अमेरिकी पेट्रो डॉलर में सेंध लगा दी है और अकॉर्डिंग टू दी मीडिया रिपोर्ट्स, आने वाले समय में भारत अरब देशों के साथ लोकल करेंसी में रुपीस ऑयल डील कर सकता है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत की इकोनॉमी को आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए देखोगे और जो भारतीय रुपया है वो काफी मजबूत होगा। अब यहाँ सवाल बनता है कि क्या अमेरिका इस कदम से भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अमेरिका बिल्कुल भी भारत के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। दोस्तों, अमेरिका हर एक देश के खिलाफ एक्शन लेने की स्थिति में सिवाय भारत के, क्योंकि उन्हें पता है उनका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। अमेरिका में अपने इतिहास में जितने भी दुश्मनों से सामना किया है, चाहे वो नाजी जर्मनी हो, सोवियत यूनियन हो, ये सभी देश मिलिट्री से तो मजबूत थे लेकिन इकोनॉमिकली अमेरिका के मुकाबले बहुत ही ज्यादा वीक थे। चीन ऐसा पहला अमेरिकी दुश्मन है जो इकोनॉमिकली और मिलिट्री डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है आने वाले सालों में वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, और इसलिए अमेरिका के लिए चीन को हरा पाना एक मुश्किल टास्क होगा और भारत के बिना कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसलिए अमेरिका भारत के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि अमेरिका को पता है अगर चीन को हराना है तो भारत अमेरिका को साथ रहना ही होगा। दोस्तों, बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात UAE भारत का कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। अकॉर्डिंग टू दी मीडिया रिपोर्ट, भारत और UAE ने पिछले साल लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार किया, जो कुल द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 41% था। बहरहाल दोस्तों, आपकी क्या राय इस मामले में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।